नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। संसद में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान 1 जुलाई 2024 को नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला भाषण श्री राहुल गांधी ने दिया और उन्होंने सत्य को रखते हुए चुटीले तीर चलाए भारतीय जनता पार्टी। श्री अखिलेश यादव जी ने जो स्पीच दिया वह भी बेहतरीन नमूना है अपनी बातों को रखने का, और महुआ मोइत्रा ने जो बातें रखी तो सच अगर पूछिए तो पूरा सदन भी यह सोच रहा होगा कि इनका भाषण इतना सटीक और बेजोर कैसे है। और जब श्री कल्याण बनर्जी ने कहिए कि कुछ हास्य की मुद्रा में और व्यंग्यात्मक मुद्रा में अपनी बातें रखी तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य सहयोगी दल सकते में हैं। उन लोगों को भी ये बात समझ में आ गई है कि विपक्ष चूंकि बहुत मजबूती से उभरा है और इसीलिए आने वाला कल जो है वो बहुत ही कहिए कि संघर्षपूर्ण होगा और सत्ता पक्ष को हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण था। मैं सर्वप्रथम हाथरस में घटी घटना में मृत सभी व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और तब मैं चर्चा करता हूं कि कल जब उनका भाषण चल रहा था हाथरस में बहुत दुखद घटना घट गई। ऐसा देखा गया है कि विभिन्न संतों के जो प्रवचन होते हैं उसमें प्रशासन ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं करता, और ये एक सच्चाई है, यह सच पहलू है कि खासकर जो सामाजिक न्याय की जहाँ पर शिक्षा का ज़्यादा अभाव है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं में खासकर कि अपने बच्चों को लेकर बड़ी बड़ी भीड़ में चले जाते हैं, मैं उन्हें भी सतर्क करना चाहूँगा कि भीड़ से बचिए और जहाँ उचित हो वहीं भाग लीजिए। पूजा पाठ तो आप घर पे करते ही हैं, लेकिन ऐसी अव्यवस्था वाली स्थिति में आपको भाग नहीं लेना चाहिए, और ख़ासकर छोटे छोटे बच्चों को जिनको स्कूल भेजने की जिम्मेवारी आपकी है उनसे आपको भी अपने बचना है, बच्चों को सुरक्षा देनी है ताकि वो देश के भविष्य बन सके। अब मैं आता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लगभग 2 घंटे का भाषण दिया उसमें बहुत सी बातें ऐसी थी, ठीक है कि वो अपने सरकार का पक्ष रख रहे थे चूँकि 10 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री रहे इस देश से, लेकिन कुछ बातें ऐसी उन्होंने कही जो निश्चित तौर पर देशवासियों को लगेगा नहीं कि ऐसा होना चाहिए। उनमें कुछ बातें तो ऐसी थी जैसे वो चुनावी भाषण में बातों को रखते हैं, ये संसद है, लोकसभा था, और इसमें उस तरह के भाषण से सभी महानुभावों को परहेज करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बार बार श्री राहुल गांधी के लिए नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन इशारा उन्हीं पर था, और उन्हें बार बार बालक बुद्धि की बात कर रहे थे, खेल की बात कर रहे थे, यह कहां तक उचित है ये देश की जनता सोच रही होगी। सारे सोशल मीडियाज पर इसे किस रूप में लिया जा रहा है ये माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। अब वो राहुल गांधी नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, कहिए कि ब्रिटिश की परंपरा में वो शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनकी बात को पूरा देश गंभीरता से देख रहा है। CSDS लोक नीति सर्वे में ही बताया जा रहा है कि धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता हर क्षेत्र में बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ती चली जा रही है। आने वाले दिनों में श्री मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी की लोकप्रियता लगभग बराबरी भी आने की स्थिति। मुझे लगता है कि अयोध्या पर जो चर्चाएं हुई हैं विपक्ष की ओर से वो तीर लगा है उधर, और श्री अवधेश प्रसाद जी चूंकि सामने बैठे होते हैं तो निश्चित तौर पर चुभता होगा ये देखना कि अयोध्या में हार गए। हाल के दिनों में जब अयोध्या में गर्भगृह में पानी चपका, जो राम पथ है उसकी जो तस्वीर आई, इसके साथ ही साथ कभी दिल्ली में एयरपोर्ट की छत गिरी, तो जबलपुर में घटना घटी,
तो राजकोट में घटना घटी हवाई अड्डे पे, और बिहार में तो 15 दिनों के अंदर 9 पुल बह गए। अब ये जवाब देना होगा। और उत्तर प्रदेश में जो हाथरस जैसी घटना घटी, जहां लोग घायल अवस्था में अस्पताल जा रहे थे, वहां सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद थे। आखिर प्रशासन ने जहां पर लाखों की भीड़ थी, वहां उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? वहां तो बीजेपी की सरकार थी। तो अब स्थिति है कि हर चीज़ अब ऐसा नहीं चल सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि कांग्रेस पार्टी तीसरी बार 100 के नीचे आई। उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही थी, वो कहाँ पहुँची? वो 272 का सामान्य बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी, 240 पर आ गई। और जो भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े बड़े नेता कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, क्षेत्रीय पार्टियां मुक्त भारत होगा, परिवारवादी पार्टियां मुक्त भारत होगा, आज 240 पर स्वयं तो टिक ही गए। और उन्हें सहारा लेना पड़ा श्री नीतीश कुमार जी का, उन्हें सहारा लेना पड़ा श्री चंद्रबाबू नायडू जी का। श्री चंद्रबाबू नायडू जी भी क्षेत्रीय पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड जो श्री नीतीश कुमार जी की है वो भी क्षेत्रीय पार्टी है, और श्री चंद्रबाबू नायडू तो परिवारवादी पार्टी है। और ये जो सरकार अभी एनडीए की चल रही है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय पार्टी भी है और परिवारवादी पार्टी भी है। कुमारा श्री कुमारा स्वामी क्षेत्रीय पार्टी भी है और परिवारवादी पार्टी भी है। श्री जीतन रामा जी क्षेत्रीय पार्टी भी है, परिवारवादी पार्टी भी है। श्री जयंत चौधरी क्षेत्रीय पार्टी भी है, परिवारवादी पार्टी भी है। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी यह देख रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी यह देख रहे हैं कि इनकी सारी बातें जो थी वो जनता ने धराशायी कर दी है। और मैं यहाँ पर यह एक बार बार कहना चाहूँगा, चूँकि नेहरू परिवार पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमेशा वार करते रहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सजा मिली आपातकाल की, 1977 में उनकी पार्टी 150 पर सिमटी, लेकिन ठीक 3 वर्ष बाद वो लौट गई 353 के आंकड़े के साथ। भारतीय जनता पार्टी क्या कभी सोच सकती है कि वो 353 की सीट प्राप्त करेगी? और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अब सिर्फ नेहरू परिवार को आरोपित करने से काम नहीं चलेगा, आपको दिखलाना पड़ेगा कि आपने महंगाई के क्षेत्र में क्या किया, बेरोजगारी के क्षेत्र में क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया। आज पूरा देश यह देख रहा था कल माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषण को, एक शब्द मणिपुर पर नहीं, इसलिए विपक्ष चिल्ला रहा था मणिपुर को जस न्याय दो। पूरा विपक्ष नीट की चर्चा कर रहा था, पूरा देश यह देखना चाह रहा था कि युवाओं के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर कोई बहुत बड़ी घोषणा करेंगे। एनटीए के चेयरमैन श्री प्रदीप जोशी जी की जो बदनामी हुई है पूरे देश में, चूँकि वो मध्य प्रदेश के पीसीएस के चेयरमैन रहे, छत्तीसगढ़ के पीसीएस के चेयरमैन रहे, यूपीएससी के मेंबर रहे, यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, और वो एनटीए के चेयरमैन हैं, बहुत बड़ा दाग लगा है नीट पर और करोड़ों का घाल मेल हुआ है, और बड़े धन्ना सेठ और सेटर्स के बच्चे उसमें घुसे, और एक भी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है 0.001 की गलती पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कल हम लोग भी उम्मीद करते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करेंगे नीट पर कि नए सिरे से परीक्षा होगी, ताकि जो गरीबों के बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत से नीट की तैयारी की है, उनका रिजल्ट साफ सुथरे तरीके से आए और वे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। चूँकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना गरीबों के बच्चे के लिए संभव नहीं है, लेकिन इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी चुप रहे। वो कहते रहे कांग्रेस पार्टी पर 0 कई प्रदेशों में। क्या भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में सीट प्राप्त करती है? सिक्किम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, पंजाब है, ऐसे किसी भी दल के साथ हो सकता है। इसलिए इस तरह का व्यंग कसना अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 23 से 9 पर आ गई है, हरियाणा में 10 से 5 पर आ गई है, राजस्थान में 25 से 14 पर आ गई है, बिहार में 17 से 12 पर आ गई है। बहुत लंबे समय बाद गुजरात में कांग्रेस को एक सीट मिली है। तो यह व्यंग नहीं करना चाहिए संसदीय लोकतंत्र में। और जब वो कह रहे थे दर्शन की बात कि दर्शन प्रदर्शन के लिए नहीं होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि जरूर उस मीडिया वाले सबको आप रोकिए कि जब आप केदारनाथ में ध्यान मुद्रा में थे तो आखिर ये टीवी चैनल क्या कर रहे थे, क्यों बार बार फोकस किया जा रहा था आपको? जब
इस 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जब आप कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के सामने ध्यान मुद्रा में थे, आखिर ये मीडिया वाले क्या कर रहे थे, क्यों वीडियो ये टीवी चैनल पर प्रदर्शन किया जा रहा था? ये अच्छी बात आपने कही है कि दर्शन प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उभर नहीं पाई है इस बार के रिजल्ट से, तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि बीजेपी आईटी सेल ने जिस तरह से राहुल गांधी को 10 वर्षों तक पप्पू बनाने के लिए हर कुछ किया, अब वो समय गुजर चुका है। अब राहुल गांधी का मुकाबला सत्तारूढ़ दल को करना है और माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, जो उन्होंने हाउस में कहा भी कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान ने जो बतलाया है तो हमें नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए, लेना ही पड़ेगा। अब श्री राहुल गांधी दिखने लगे हैं कि वो हर चीज़ को देख रहे हैं, अग्निवीर पर भी निश्चित तौर पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भरोसा देना चाहिए था युवकों के हित में। और जो अगर इस तरह की स्थिति में कि भारतीय जनता पार्टी वही रवैया अख्तियार करेगी तो आने वाले दिनों में, चूँकि इस साल महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में चुनाव है, इसका रिजल्ट जब आएगा तो आपकी भी आंखें खुलेंगी। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से श्री राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए गए संसद में जो दिया गया भाषण है उसको तोड़ मरोड़ कर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों की भावना को ठेस पहुँची है, हिंदुओं की भावना, ऐसा नहीं है। श्री राहुल गांधी ने ये कहा भगवान शंकर का चित्र दिखलाते हुए, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा मसीह और गुरु नानक के चित्र को दिखलाते हुए कि इन सभी ने हमें सीख दी है, डरो मत, डराओ मत, लेकिन ये जो सामने बैठे लोग हैं हमेशा 24 घंटे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 और हिंसा की बात करते हैं। और उस पर जब बीजेपी के लोग खड़े हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हुए, तो राहुल गांधी ने बार बार कहा कि नहीं, श्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है और बीजेपी ने हिंदुओं का, पूरे देश के हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है। गलत चीज़ पर भ्रम पैदा करना जनता में उचित नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है एक भारतीय नागरिक के रूप में कि जिस तरह का जनादेश भारतीय जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया है उसमें विनम्रता की जरूरत है और मेल मिलाप से देश के लिए काम करने की जरूरत है। यह देश के हित में है, संसदीय लोकतंत्र के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएँ, धन्यवाद, जय हिंद।